अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, रिडिकुली क्वेश्चंस की टाइप 4 को डिस्कस करने के लिए हम एक एग्जांपल से स्टार्ट लेंगे। लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास टाइप नंबर 4 के हिसाब से या उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक रिडिकुली क्वेश्चन गिवन होगी। लेट्स से 3x² - 7x - 30 स्क्वायर रूट माइनस 2x² - 7x - 5² इज इक्वल्स टू x - 5। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है जो कि टाइप नंबर 4 की रेडिकल इक्वेशन में से है। इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, पिछली टाइप और इस टाइप में क्या फर्क है? अगर आप पिछली टाइप को देखें तो उसमें हमारे पास इसी तरह स्क्वायर रूट के नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आती थी, तो यहाँ पर भी आपको फर्स्ट स्क्वायर रूट के नीचे भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रही है, सेकंड की भी आ रही है, और यहाँ पर लेकिन इक्वल की दूसरी साइड अगर आप देखें ना तो यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है, और ना ही यहाँ पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, जबकि पिछले जो केस था उसमें इक्वल के दूसरी साइड पे भी हमारे पास स्क्वायर रूट के साथ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थी, तो दोनों में ये फर्क है। सही है। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसके सॉल्यूशन में स्टूडेंट आपने करना ये होगा कि आपने दोनों जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना विद रेडिकल साइन, आपने इसको लेट करना होगा। सो लेट ए इज इक्वल्स टू 3x² - 7x - 30, ये आपके पास ए आ गया, और बी आप लेट कर लें 2x² - 7x - 5 के। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हम कहाँ पुट करेंगे? ये स्टूडेंट हम पुट करेंगे आपके पास जो ओरिजिनल हमारे पास इक्वेशन है। सो अगर हम वहां पुट करें सो क्या आ जाएगा? a - b इज इक्वल, क्योंकि ये सारा a हो गया माइनस अपनी जगह पर एज इट इज, और ये b आ जाएगा। सो a - b इज इक्वल टू x - 5, आपने इसको 1 का नाम देना। क्लियर हो गया। अच्छा, अब करना क्या है कि जो चीज हमने सपोज किए a और b के दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप उसका स्केयर लें तो आएगा a² इज इक्वल टू 3x² - 7x - 30 एंड b² इज इक्वल टू आएगा 2x² - 7x - 5 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है। अब करेंगे क्या कि a² और b² को आपस में माइनस कर लेते हैं। सो a² - b² अच्छा, ए स्केयर की वैल्यू अभी आई है हमारे पास 3x² - 7x - 30 माइनस, और बी स्केयर की वैल्यू स्टूडेंट अभी हमारे पास आई है 2x² - 7x - 5। ठीक है, आप वैल्यू देख सकते हैं, ये हमारे पास ए स्केयर और बी स्केयर की वैल्यू आई हुई है। सो हम इनको क्या करें, सिंप्लीफाई करें। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो a² - b² 3x² - 7x - 30 माइनस की वजह से अंदर जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, ये आपको बिल्कुल पता होगा। a² - b² 3x² - 2x² 1x² -7x + 7x कैंसिल हो जाएगा, -30 + 5 स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा? -25 आ जाएंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अच्छा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो इसको लिखा जा सकता है a - b इंटू a + b, आपको फार्मूला पता है। 25 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, तो a - b और यहां से क्या आ जाएगा? a + b। ठीक हो गया। a + b यहां से भी आप लिख सकते हैं x - 5 इंटू x + 5, इसको आपने 2 का नाम देना है। अच्छा, अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 1 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को 1 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। सो यहां हम लिखेंगे कि डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 2 को डिवाइड करने का मतलब ये होगा कि a + b इंटू a - b डिवाइडेड बाय a - b, और राइट साइड पे क्या आएगा? x + 5 इंटू x - 5 डिवाइडेड बाय x - 5। ठीक हो गया स्टूडेंट। ये आपके पास 2 थी,
और प्रीवियस हमारे पास ये वन थी, तो हमने इक्वेशन नंबर टू को वन पे डिवाइड किया। अब जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ए माइनस बी के साथ कैंसिल हो गया, एक्स माइनस फाइव के साथ कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। जो रिमेनिंग टर्म्स है वो हम लिख सकते हैं, जो कि इक्वल आएगा ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव, और स्टूडेंट आप इसको नाम दे दें थ्री का, ठीक हो गया। ये आपके पास आ गई है थ्री इक्वेशन आके। अब हम करेंगे क्या कि इक्वेशन नंबर वन और टू को आपस में ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। अब आप लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, ठीक हो गया। अच्छा, इक्वेशन नंबर वन थी स्टूडेंट हमारे पास ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव, और जो सेकेंड इक्वेशन थी वो क्या थी, ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव, सॉरी यहां पर अगर आप देखें तो ये प्लस फाइव आता है, ठीक है, तो एक्स प्लस फाइव। अच्छा, दोनों को ऐड करने से आपको पता है ये जो बी वाली टर्म्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगी, प्लस फाइव माइनस फाइव कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, टू ए इज इक्वल्स टू टू एक्स आ जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट, यहां से टू और टू को कैंसिल करेंगे तो ए इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। ए आपको पता है कि ए हमने किसके लेट किया था शुरू में, ए आपको पता है किसके इक्वल था, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थर्टी, तो हम क्या करेंगे इस ए की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। ए किसके इक्वल था स्टूडेंट, ए हमारे पास इक्वल था थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थर्टी, स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व इसको कैसे करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो पिछली जो इक्वेशन थी उसके दोनों साइड पर अगर आप स्केयर अप्लाई करें स्टूडेंट तो क्या आएगा, थ्री एक्स स्केयर माइनस सेवन एक्स माइनस थर्टी, स्केयर अप्लाई करें तो ये स्केयर आ जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर आ जाएगा, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, थ्री एक्स स्केयर माइनस सेवन एक्स माइनस थर्टी माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू जीरो, दोनों को आपस में कंबाइन करें तो आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थर्टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक हो गया। अगर हम इसका मिड टर्म ब्रेक करके इसके फैक्टर्स बनाएं तो वो टू एक्स प्लस फाइव एंड एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो आएगा। दोनों फैक्टर्स को जीरो की इक्वल रखने से आपके पास एक्स की वैल्यूज आएंगी, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस फाइव बाई टू एंड एक्स इज इक्वल्स टू सिक्स। अच्छा, वेरिफिकेशन में अगर आप चेक करें हमारे पास क्या आएगा वेरीफाई करने के बाद कि माइनस फाइव बाई टू ये आपके पास क्या होगा, इज एक्स्ट्रा नियस रूट होगा, मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। जो सोल्यूशन सेट होगा उसमें उसमें जस्ट क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू सिक्स, ठीक है, जो सिक्स है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट इन लेक्चर में ना हमने रेडिकल जो इक्वेशंस थी उनके डिफरेंट टाइप्स को क्या किया, डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।